मान जनरेटर 200 किलोवाट का ऑटो आई टाइप का, ये हमारे पास गैस प्रेशर रेगुलेटर है। उसके बाद हमारे पास ये है गैस फिल्टर है, ये है डबल सोलेनॉइड वॉल्व, उसके बाद ये ZPR है, ZPR के बाद ये फ्लेक्सिबल जो पाइप गया हुआ है जहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर है हमारे पास, वहाँ से एयर आती है और इस साइड से गैस आता है और यहाँ पर मिक्सचर बनता है। और उसके बाद हमारे पास ये जो आपको नज़र आ रहा है हमारे पास ये ऊपर वाले, ये है हमारे पास प्रेशर रिलीफ वाल्व है और ये यहाँ पर हमारे पास मिक्सचर आता है यहाँ से आफ्टर कूलर में। ये हमारे पास आफ्टर कूलर के दो स्टेजेस हैं, लिक्विड वाटर आफ्टर कूलर, उसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास थ्रोटल वाल्व लगा हुआ है एक्चुएटर, यहाँ से ऑयल मेकअप होता है इसमें मैनुअली। और ये हमारे पास इग्निशन ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, इग्निशन कॉइल हैं। और ये उसके अलावा ये हमारे पास जो आपको नज़र आ रहा है नीचे, ये है हमारे पास ऑयल सम्प है, ये ऑयल सम्प है। उसके बाद है ये हमारे पास आफ्टर कूलर का पंप, ये हमारे पास जो है रेडिएटर का फैन है, उनका मोटर लगा हुआ है और ये कंबाइंड रेडिएटर कहलाते हैं, दो स्टेजेस के ऊपर मुश्तमिल होता है। उसके बाद ये हमारे पास ये पूरे रेडिएटर आप देख रहे हैं और रेडिएटर के बाद ये हीट जो ट्रांसफ़र एरिया है वो है, तो ये रेडिएटर आपका हुआ, ये हीट ट्रांसफ़र एरिया कहलाता है। उसके अलावा ये है हमारे पास इस साइड से जैकेट वाटर पंप है, ये है वाइब्रेशन डैम्पर वगैरह, ये है वाटर सेपरेटर। और इसके बाद ये हमारे पास ऑयल का जो है मैनुअल हमारे पास ऑयल ड्रेन का है, ऑयल फिल्टर लगे हुए हैं, ऑयल कूलर है, एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है। ये है हमारे पास टर्बो में पानी की जो लाइन गई हुई वो है, ये हमारे पास इग्निशन ट्रांसफार्मर है, ये 6 सिलेंडर 1 2 3 4 5 6। और इसके अलावा ये हमारा डेटोनेशन सेंसर बीच में, इन 6 के बीच में लगा हुआ डेटोनेशन एक ही सेंसर है ये लगा हुआ है। उसके अलावा ये है हमारे पास स्टार्टिंग मोटर और ये है बैटरी सिस्टम, ये है अल्टरनेटर साइड, ये अल्टरनेटर है, ये है हमारे पास टर्बो चार्जर है और ये इसका एग्जॉस्ट साइलेंसर है, ये साइलेंसर है इसका, ये अल्टरनेटर साइड, ये ऊपर आपको मैंने बताया था, ये हमारे पास एयर फिल्टर जहाँ से हवा आती है, एयर फिल्टर है। और मैं अगर दिखा सकूँ तो ये है इग्निशन बॉक्स कहलाता है, इग्निशन खाड कहलाता है ये हमारे पास। और इसके अलावा ये आप प्लेट देख सकते हो, मान जनरेटर 200 किलोवाट के हमारे पास, ये आई टाइप ऑटो मान 200 किलोवाट जनरेटर, ये इनका फ्रंट इंटरफेस कुछ इस तरीके से जो आपको नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये फ्रंट जो इंटरफेस हैं IPC का इस तरीके से हैं, ये है अंदर के पैनल का, कंट्रोलिंग पैनल का। इस सामने ये जो हमारे पास नज़र आ रहे हैं ऊपर, ये बैटरी चार्जर हैं, ये हमारे पास पास लोड ब्रेकर हैं और ये ऑटो रिचार्जेबल लोड ब्रेकर हैं। ये जो हमारे पास ये जो ब्रेकर लगे हुए हैं, ये हमारे पास ऑक्सिलरीज के वो हमारे मेन ब्रेकर हैं सारे। तो इस साइड पे AC लगा हुआ है, नीचे पेंडोरियम जो है PLC कार्ड है वो लगा हुआ है और टर्मिनल बॉक्स वगैरह। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि चलता कैसे है। तो ये है पूरा फ्रंट का व्यू और ये इस तरीके से एक दफ़ा आप स्टार्ट का जो प्रेस करोगे बटन को, तो ये कुछ सेकंड ले करके ये स्टार्ट हो जाता है और ये आइडियल पर आने के लिए ये आपका 20 सेकंड ले रहा है, आपको नज़र आ रहा है, तो ये 20 सेकंड का टाइम ले रहा है। और ये पूरा RPM 1500 तक आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, 1500 तक RPM आ रहे हैं। अगर इसको बंद करना हो तो उसके लिए स्टॉप का जो बटन है उनका इस्तेमाल किया जाता है, अगर एक दफ़ा दबाओगे तो कूल डाउन पे चले जाते हैं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट बाद ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। अगर दो दफ़ा प्रेस करोगे एट अ सेम टाइम, दो दफ़ा प्रेस करने से ये एट अ टाइम बंद हो जाता है, इसको कूल डाउन पे लगा लेते हैं। और ये था हमारे पास मान जनरेटर का पूरा वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आपको इसी तरीके से आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लाता रहूँगा और कुछ सिखाने की कोशिश करूँगा और कुछ आपसे सीखूँगा भी। अल्लाह हाफिज़।